मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले शासकीय स्कूलन में अव्यवस्थन के अंबार हबे। सरकार जहां कई भारी भरकम बजट दे के शिक्षा खातिर बजट जारी करत ही, भवन से लेके स्टाफ तक के प्रबंध करत ही, तो वह दूसर कई सरकार से मोट तनख्वाह ले वाले कर्मचारी अपने कर्तव्यन के निर्वहन नहीं कर पावा। ताजा मामला सोहियाबा है सिगरौली से, जहाँ के मिडिल स्कूल चोरीपाठ में मिड डे के भोजन करे के बाद वहाँ के बच्चा खुद अपन बर्तन धोबा थमा। अपना बता दी कि शासकीय स्कूलन में जो व्यवस्था है उमा रसोईया के व्यवस्था की जाती, जे बच्चन के भोजन से लेके बर्तन धोबे तक के व्यवस्था करा थमा कर्मचारी नियुक्त होता है। एक खातिर बाकायदा पे यहाँ जो विद्यालय हवे वहाँ के बच्चा मिड डे भोजन करे के बाद खुद अपन बर्तन धोबा थमा। तब इन्हें क्षेत्र के पहल पहले न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सजाने का प्रणाम करते शुरू करते बड़ी खबर से। उन्होंने बता दें कि आप सिगरौली जिला के शासकीय माध्यमिक स्कूल चुरीपाठ गांव के मामला है, जहाँ के बच्चन का स्कूल में मिले वाला मिड डे मील के भोजन खाए के बाद अपन बर्तन खुद धोए पड़त हुए। दौरान बच्चन के बीच आवारा कुत्ता घलाए घूमत फिरत रहा थमा, जिसके बीच घूमत कुत्तन के बीच में इनका अपन भोजन कराए का विवश हो पड़त है। मामले में स्कूल प्रबंधन के कहा है कि जो रसोइया हैं उनका वेतन बहुत कम मिलत है, जोने के कारण ये लोग बर्तन साफ करे खातिर तैयार नहीं हो। बड़ी बात यह है कि जब ये बर्तन खातिर साफ करे खातिर तैयार नहीं आई तो उनका ये पदमा रखा काहे गया, अब तक उनके ऊपर कार्रवाई काहे नहीं की गए। वहाँ के स्कूल छात्र कहा था कि यहाँ पहल मौका नहीं आया कि वो बर्तन खुद साफ़ कर रहा है, बल्कि जब से वो पढ़ल रहा है स्कूल से तब ऐसे वो अपन खाए के बर्तन खुद धोवा पड़ा था। हालात यह आज के नहीं आए, शासकीय स्कूल में पढ़े वाले लड़का कहा था कि जब से पढ़ा रहा तब ऐसे ही मेरे से आवारा कुत्तन के बीच में बैठ के उनका मिड डे मील के भोजन करे पड़ा है, जिसके खातिर वो अपन बर्तन खुद धोवा था। इसने माँ बच्चन के मजबूरी हवे कि अगर उनका मिड डे मील के भोजन करे का है तब अपन बर्तन धोए पड़ी। कहो ना कहो यह सब कारण आही जो जनता के शासकीय न केवल शासकीय विद्यालय बल्कि शासकीय व्यवस्था से घलाए मोह भंग करा था, और जनता जौन ही वह निजी संस्थानन के शरण में जाए के मजबूर होती है। हालांकि निजी संस्थान ए सरकारी अव्यवस्था के फायदों खूब उठावा था, खूब गरीब जनता के खून पसीना के कमाई का चूसत हमारे पे जनता मजबूर ही कहे से कि जब शासकीय व्यवस्था जो हिबे कमजोर हिबे तो जहाँ तक जा तक जा कहाँ जा। तब तक खातिर दे इजाजत रखिए और अपने परिवार के ख्याल पड़ा।